रानी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट? घर से इतनी दूर? हाँ चलो बैठो गाड़ी में। अंकल घर में किसी को नहीं बताया देगा मैं इतना दूर खेलने आया था। मैंने मामा को कहा था मैं पिछली गली में खेल लूं। मैं इतना दूर आया था, अंकल आप मत बोलेगा प्लीज। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उबेद अंकल अब आप चले जाए, मैं अंदर चले जाऊंगा। डर लग रहा है? मामा को मत बताइएगा प्लीज। बोलो। अरे उबेद भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ। आप किस साथ घूम रहे? मामा मैं क्रिकेट खेल रहा था। हाँ क्रिकेट तो खेल रहा था लेकिन घर के बाहर नहीं, चार गलियां छोड़कर। दानी तुमने तो कहा था कि तुम यही खेल रहे हो। अरे वो तो यही कहेगा ना, वो तो बच्चा है, आपको ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है ना हालात कितने खराब हैं। मैं चलता हूँ। उबैद भाई चाय पी के जाइएगा, रामेश भी बस अभी आते ही होंगे। नहीं नहीं अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, फिर सही। ओके अल्लाह हाफिज। तुम अंदर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे यार दानी अब तो अपना मूड सही कर लो। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हें खाना भी खिला दिया, आइसक्रीम भी खिला दी, लेकिन तुम्हारा मूड फिर भी ऑफ है भाई। और एक हमारे पेरेंट्स होते थे, हमें मारते थे डांटते थे, और एक हम हैं, हर बात मानते हैं तुम्हारी लेकिन फिर भी बिगाड़े आप उसको। मामा मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ, उबैद अंकल ने झूठी शिकायत लगाई थी। अरे अंकल को शेकहैंड करो। यस। ऐसा करो आपको पैसे दे। थैंक यू। चलो चलो चले आप बैठे हम लेट हो रहे हैं। चलो भाई जानी ठीक है जनाब। अलाल वेट। ओके ओके सर।
सर जॉर्जटाउन थाने में एक बच्चे के मिसिंग होने की रिपोर्ट आई है। फिर मिसिंग, ठीक है तुम वहाँ थाने से रब्ता करो, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उनसे शेयर करो, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे फौरन बताओ। ओके सर। क्या हो रहा है? देखिए राज जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।